दोस्तों स्वागत है आपका इस हैशटैग दिसंबर ब्लॉकबस्टर सीरीज़ के एक और धमाकेदार ब्लॉग में। दोस्तों अब तक का मेरे चैनल का ये जो ब्लॉग है सबसे लंबा सबसे धमाकेदार ब्लॉग सिर्फ जर्नी के हिसाब से नहीं ट्रेन के हिसाब से भी रहने वाला है। बस आपको बने रहना है इस जर्नी में एंड तक। ये जो मैं जर्नी करने वाला हूँ आपके लिए लेके आया हूँ एक और एंड टू एंड जर्नी। जी हाँ दोस्तों आज मैं हूँ कहाँ हूँ जस्ट गैस द लोकेशन। मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। जी हाँ दोस्तों एंड टू एंड जर्नी है, मज़ा आने वाला है। ट्रेन नंबर 12445 उत्तर संपर्क क्रांति दोस्तों इस ट्रेन में आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं हूँ इस समय नई दिल्ली जंक्शन पर। आप देख सकते हैं दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन के बारे में, दोस्तों ये ट्रेन नई दिल्ली से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक टोटल डिस्टेंस कवर करती है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर और इसके नई दिल्ली से लेके कटरा तक केवल 9 हॉल्ट हैं। 700 किलोमीटर में 9 हॉल्ट, यानी कि सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वाओ एक्सपीरियंस ज़बरदस्त होगा। एंड टू एंड जर्नी आपके लिए एक और लेके आया हूँ, आप बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। ट्रेन यहाँ से बन के चलती है 8:50 पे और कटरा पहुँचती है 8 बजे सुबह। दोस्तों उत्तर संपर्क क्रांति जिससे मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 से रात में 8:50 पे निकलती है और सुबह 8:05 पे पहुँचती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, बहुत कम हॉल्ट हैं, ये नेक्स्ट लेवल सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। बहुत ही कम हॉल्ट, आप 700 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो केवल 9 हॉल्ट ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी ट्रेन हो। तो बस इंतजार है ट्रेन के आने का, अभी बच चुका है ऑलमोस्ट 8, ट्रेन लगने वाली होगी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो मेरा टिकट S4 में है और कुछ S3 में है, तो देखो मैं S3 में बैठता हूँ या S4 में बैठता हूँ वो तो ट्रेन आने पता लगेगा। लेकिन आप देखिए मैं हूँ इस समय नई दिल्ली पर और ये खड़ी है बनारस नई दिल्ली। ये जो आप रेड कोचेस देख रहे हैं बनारस नई दिल्ली महाकाल एक्सप्रेस, जी हाँ दोस्तों ये खड़ी हुई है और मैं हूँ इस समय ओवर ब्रिज पर जिससे आप ऑल ओवर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आपको बने रहना है ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रॉम नई दिल्ली टू कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा, सोचिए कितना अच्छा जर्नी रहने वाला है ये। बस थोड़ा बड़ा हो सकता है जर्नी, आपको बस देखना है एंजॉय करना है, धमाकेदार ब्लॉग है ये नेक्स्ट लेवल ब्लॉग होने वाला है। बस आपको बने रहिएगा, आप इस चैनल पर बने रहिएगा। ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर, अब हम बोर्ड करेंगे और बैठेंगे, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ से डिपार्चर और इंटीरियर भी दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों हम सभी ने बोर्ड कर लिया है, सबको सबकी सीट मिल चुकी है, दिलवा दी गई है। जब फैमिली मेम्बर साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो फाइनली हम अब सभी अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं S3 में बैठा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ बैठा हूँ। और अभी ट्रेन डिपार्ट होगी तो आपको डिपार्चर जरूर दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली, 50 बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्ट हुए हैं, बिल्कुल ऑन टाइम। वही पुराना राग भारतीय लोगों का, ट्रेन चलने के बाद फिर किसी ने चैन पुलिंग कर दी, गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब हद है यार। आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दिस थिंग्स, पूरा टाइम मिलता है उसके बावजूद भी ये हरकतें क्यों होती हैं, वो भी देश की राजधानी नई दिल्ली में। दिल्ली से निकल चुके हैं, अंदर सभी लोग सारे पैसेंजर कर रहे हैं लंच, सॉरी
आपको वॉशरूम। बाहर एक टैप है, इसमें पानी आ रहा है। चलते हैं अंदर। इसमें भी पानी आ रहा है, पर हैंड वॉश कहीं मिलेगा नहीं आपको। लेकिन मिरर देखिए आप कितना बड़ा है, मतलब साइज में बहुत बड़ा मिरर है, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा मिरर लगाया है। नीचे कंडीशन एकदम क्लीन है, आप देख सकते हैं, एकदम क्लीन है। नीचे मग वग सब कुछ सही है। तो दोस्तों, अगर आप बात करने के इसको रेटिंग देने की 5 स्टार में से, तो मैं इसको दूँगा 4 स्टार। ये अभी तो कंडीशन अच्छी है, डस्टबिन वगैरह भी गिवन है। अब आगे देखते हैं इसकी कंडीशन अच्छी रहती है या नहीं रहती है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का फर्स्ट हॉल्ट। पहला हॉल्ट पानीपत जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है PNP। और यहां पर 5 प्लेटफॉर्म हैं, 135 ट्रेनें डेली हॉल्ट करती हैं। और यहां से रोहतक के लिए आपको गाड़ी चेंज करनी है तो आपको यहां से रोहतक के लिए गाड़ी मिल जाएगी। 10 ट्रेन टर्मिनेट और 10 ट्रेन ऑरिजिनेट यहाँ से हर रोज़ होती हैं। तो ये है डिटेल्स पानीपत जंक्शन की। हम यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट डिले के साथ। डिपार्टेड फ्रॉम पानीपत जंक्शन। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का सेकंड हॉल्ट अंबाला कैंट जंक्शन। और हम यहां पहुंचे हैं लगभग ऑन टाइम, गाड़ी बहुत अच्छी चली है। और दोस्तों, यहां पर इसका स्टेशन कोड UMB है। यहां पे 8 प्लेटफॉर्म है। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन हुआ करता था बिफोर कोविड, लेकिन अभी यहां पर इतनी ट्रेन है नहीं। और यहां पर 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, 170+ ट्रेनों का कुछ हॉल्ट है। और एकदम बहुत ठंड एकदम से बढ़ गई है। यहाँ के छोले कुलचे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। मैंने अम्बाला पे ली एक चाय मशीन वाली। बहुत ठंड है भाई अम्बाला पे। एक्चुअली हम राइट नहीं बल्कि समय से पहले आ गए हैं, इसलिए ट्रेन अभी तक खड़ी हुई है। और ट्रेन खड़े हुए 10 मिनट हो भी गए हैं। हम पहुँचेंगे सुबह, इसका कटरा पहुँचने का टाइम 8 बजे का है। अब देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं। और दोस्तों, अंबाला एक रेल डिवीज़न है। जैसे मुरादाबाद एक रेल डिवीज़न है, ऐसे ही अंबाला एक रेल डिवीज़न है। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स, हम डिपार्ट कर रहे हैं अंबाला कैंट जंक्शन से।
टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12 का, तो अब समय है सोने का। जलंधर कैंट आएगा 1:30 बजे और उसके बाद जो भी अगले स्टेशन आएंगे वो 2 बजे 3 बजे के आसपास आएंगे। इतनी ठंड होगी और रात में ब्लॉगिंग करना वैसे ही मुश्किल होता है, तो अब सुबह आपसे मुलाकात होगी जहाँ भी आँख खुलेगी। और हाँ दोस्तों, जम्मू के बाद जो रूट शुरू होगा ना वो एक्सक्लूसिव होने वाला है, एक्सक्लूसिव। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो प्लीज़ लास्ट तक जाइएगा, एक्सक्लूसिव। जम्मू के बाद जो माउंटेन्स के सीनरी के जो सीन होंगे ना, गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जम्मू, तभी समय से बहुत देर पहले पहुँच चुके हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ये जम्मू तभी आ चुकी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी आ जाएगी। सफ़र का मजा अब यहाँ से शुरू होगा, अनबिलीवेबल। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ क्योंकि माउंटेन्स वगैरह होंगे, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। तो मैं हूँ जम्मू तभी में और हम डिपार्ट कर रहे हैं। सिग्नल हो चुका है, शायद आप देख पाएँ, और हम देखो ट्रेन चल चुकी है। तो दोस्तों सफ़र अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर ये काफ़ी समय पहले आ चुकी थी और हम जम्मू तभी से डिपार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जम्मू पहुँचते ही मेरे दोनों सिमों के नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कभी भी आप जम्मू तभी आएँ, हम श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आएँ, आपके फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, फ़ोन बंद हो चुके होंगे। और इससे ये होता है कि अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि फ़ोन में नेटवर्क नहीं होंगे, आपको साथ में रहना ज़रूरी है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप यहाँ आते हैं जम्मू तभी या श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। हम जम्मू से निकल चुके हैं, अभी बाहर अंधेरा है और ठंड बहुत है, तो अभी मैं बाहर का नज़ारा थोड़ी देर रुक के दिखाऊँगा, लेकिन दिखाऊँगा जरूर, सेंसेशनल व्यू होंगे। ये मैंने पूरी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गुफा थी, इतनी तगड़ी कोर थी। नहीं, मतलब जम्मू से चालू हो गई थी, जम्मू से चालू, हाँ जम्मू के साथ हो गई थी। ये हमारे मित्र हैं, साथ में को पैसेंजर हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर अंधेरा होने के कारण काफ़ी विजुअल्स हम मिस कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ले भी रहे हैं। बस चाहता हूँ कि जल्दी से अंधेरा हटे। सिर्फ
अंधेरा होने के कारण मैं आपको पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। देखिए बाहर कितना ज़बरदस्त अंधेरा है, टनल नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगर अंधेरा नहीं होता ना तो आपको माउंटेन्स भी दिखाता, पर शॉर्टली शायद ये अंधेरा ख़त्म हो और मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। हम आ चुके हैं, इसमें कोई स्टेशन है उसका कोई बोर्ड नहीं लगा, लगा हुआ होगा तो फॉग के कारण दिख नहीं रहा। फॉग देखिए मतलब कोहरा, इस टाइप लुक एट दिस, कुछ भी विजिबल नहीं है, विजिबिलिटी बहुत कम है। हेलो मंकीज। तो फ्रेंड्स हमें इस समय रामनगर JNK में, यहाँ पे हमारा ऑफिशियल हॉल तो शायद नहीं है, जी हाँ है ही नहीं, उधमपुर में है, पर यहाँ पे जो है हमें रोका गया है। और साइड के नज़ारे आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़बरदस्त फॉग है। नेटवर्क गायब हो गया बिल्कुल जियो। रामनगर JNK, तो फ्रेंड्स इस समय मैंने ये जो मास्क पहना है वो कोविड से बचने के लिए नहीं, ठंड से बचने के लिए पहन रखा है। नाक पे ठंड ना जाए, चेहरे पे ठंड ना लगे, हवा ना लगे, उस वजह से मैंने ये मास्क पहना हुआ है और ग्लव्स भी पहन लिए, क्योंकि ठंड नेक्स्ट लेवल। अगर आप दिसंबर में आते हैं तो पूरे प्लानिंग से आइएगा,
दिसंबर में तो आपको पता ही होगा ठंड, और यहाँ तो और ज़्यादा ठंड है। फॉग देखिए आप, फॉग, ये जो फॉग आपको दिख रहा है कितना ज़बरदस्त फॉग है। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का सेकंड लास्ट हॉल्ट उधमपुर। इसका स्टेशन कोड है UHP और जम्मू तवी से लेकर कटरा के बीच का ये इकलौता बड़ा स्टेशन मुझे लगता है। यहाँ हम पहुंचे हैं बिल्कुल ऑन समय पे, टाइम पे। हमारी ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है, जी हाँ दोस्तों। और कुछ यहाँ से EMU DMU टाइप की ट्रेनें भी बन के और टर्मिनेट ओरिजिनेट भी होती हैं, क्योंकि पीछे मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा था। अब इसके बाद सीधे हमारा कटरा है डेस्टिनेशन। Departed from Udhampur. Thank you.
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचा है, बिल्कुल भी डिले हुए नहीं। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चाहें देश के किसी भी कोने में रहते हो और अगर आपको आना है श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, तो आप प्लीज़ सिर्फ नई दिल्ली आइए सबसे पहले अपनी देश की राजधानी, और वहाँ से ट्रेन पकड़िए सीधे कटरा के लिए। मतलब एक ऑसम व्यू देखने को मिलेगा, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। जब आप नई दिल्ली से कटरा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे ना, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि आप चाहो तो जम्मू से भी आ सकते हो बाया बस, लेकिन जब आप जम्मू से चलती ना ट्रेन, अलग ही व्यू होते हैं, अलग ही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सफ़र और एक्सपीरियंस सुपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सफ़र और एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा रहा होगा, आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, डू टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और अब हम यहाँ से जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। हैशटैग दिसंबर ब्लॉग बास्टर के साथ इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। इट्स गुड बाय फ्रॉम यार। दोस्तों आप ये लाइन देख रहे हैं पैसेंजर्स की, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए, ये वैक्सीनेशन चेक हो रहा है, उसकी लाइन लगी हुई है, बहुत ही लंबी लाइन है।